हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू जीआईसी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आपके पास। हम लोग प्रिंटर टर्बाइन में चल रहे थे। प्रिंटर टर्बाइन में आगे कैलकुलेशन पार्ट देखते हैं, इसमें क्या क्या कैलकुलेशन आते हैं, वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे बनाते हैं और कैसे कैलकुलेशन आपके ज्ञान में आते हैं। तो बच्चे स्टार्ट करें यहाँ पे वेलोसिटी ट्रायंगल। तो हाइड्रो टर्बाइन देखो, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये आपके पास कंटेनमेंट टर्बाइन था, ऐसे बकेट होता है जिसपे वाटर क्या होती है, स्ट्राइक होती है आपके पास, और ये इम्पल्स के आपके पास टर्बाइन है। अब देखो ये आपके पास रियर बार होता है, इंटेक होता है, जिससे क्या होता है वाटर फिलअप होती है, यहीं से आपके पास पेनस्टॉक होता है जहां से टर्बाइन पे स्ट्राइक कराते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलती है। सो हाइड्रोलिक पावर से आपके पास कैसे मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर से इलेक्ट्रिकल पावर में आपके पास कैसे कन्वर्ट होता है, ये कंटेनमेंट टर्बाइन। ठीक है, कुछ पार्ट थे आपके पास कंटेनमेंट टर्बाइन की, केसिंग, स्पीयर, ब्रेकिंग मॉड्यूल, ठीक है, रनर और पेनस्टॉक, कुछ गवर्निंग मैकेनिज्म थे जो आपके पास ये फ्लक्चुएशन यानी आपके पास जो फ्लूड दिया के पास स्लो फ्लूड स्ट्राइक करते थे, कहां पर टर्बाइन पर वो आपके लिए स्ट्रेक बेसिकली क्या करते थे, एकदम यूनिफॉर्म आपके पास करते। ये है टर्बाइन का पार्ट अरेंजमेंट, इसमें बताया था स्फीयर है, व्हील है। ये स्फीयर का मतलब क्या क्या मतलब, जो स्फीयर की काम होता है कि वाटर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी आपके पास टर्बाइन पर स्ट्राइक करने के लिए, ये उतना ही मेंटेन करेगा। यही गवर्निंग मैकेनिज्म पार्ट है आपके पास। ये आपके पास रनर हो गया, इस पर ब्लेड लगी होती है, ब्लेड पे वाटर स्ट्राइक करता है, जैसे ब्लेड पर वाटर स्ट्राइक करता है और ये स्ट्राइक होने के बाद बेटा रोटेट करता है और ये रोटेट करने लगता है रनर, और इससे क्या होता है आपके पास, और ये आपके पास केसिंग है। केसिंग का यूज क्या होता है, केसिंग का यूज बेसिकली हम वहां पर करते हैं जहां पे आपके पास वाटर आपके पास टर्बाइन से होते हुए स्प्लैश करेगी, यानी कि वाटर यहाँ से निकल के बाहर की तरफ जाएगा। सो इसको रोकने के लिए, वाटर को जो आपके पास स्प्रे रोकने के लिए, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग केसिंग डिजाइन किया गया। केसिंग का यूज आपको बताया था स्प्लैशिंग को रोकने के लिए, बेटा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं। यहाँ पे केसिंग का यूज क्यों करते हैं, स्पीयर, स्पीयर को होते हैं कंट्रोल ऑफ वाटर, कंट्रोल द वाटर को यूज करने के लिए करते हैं। कंट्रोल कैसे करते हैं, स्पीयर की यूज कंट्रोल ऑफ वाटर, जितना रिक्वायरमेंट होगी आपके टर्बाइन पर, ठीक है, ज्यादा रिपल्शन चाहिए आपके पास, ज्यादा स्ट्राइक करानी है तो ज्यादा स्ट्राइक कराते हैं, और कम स्ट्राइक करानी है तो कम स्ट्राइक आपके पास रहेंगे। सो ये आपके पास क्या है, आपके पास ये डिफरेंट। इसके बाद आपके पास ब्रेकिंग नोजल, रनर को रोकने के लिए बेटा क्या है आपके पास, रनर स्टार्ट किया गया, रनर को रोकने के लिए क्या करेंगे, अपोजिट साइड में तो स्टॉप द रनर वेस्ट ऑफ द टाइम द ब्रेकिंग जेट प्रोवाइड व्हिच डायरेक्ट द वाटर ऑन द बकेट, बकेट पे डायरेक्ट क्या करेंगे वाटर स्ट्राइक करेंगे। जैसे यहाँ पर फिगर देखो आप, ये फिगर है, ये आपके पास ब्रेकिंग जेट, ठीक है, रोटेट ऐसे कर रहा है आपके पास ब्लेड और इसी के अपोजिट डायरेक्शन से वाटर फ्लो करा दोगे, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, रनर की धीमी हो जाएगी, धीमे धीमे वो क्या हो जाएगी ब्रेक की तरह वर्क करेगा, जैसे हम लोग ब्रेक लगाते हैं सेम वैसे ही आपके पास क्या है, ठीक है, वैसे प्रोसेस है। इसके आगे हम लोगों ने देखा था कि आपके पास रनर रोटेट होता है, आपके पास रोटेट होता है, इसकी सीरीज अब क्या होता है आपके पास रोटेट ड्राइव होता है। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा था बस यहाँ पर, ठीक है, और कुछ गवर्निंग मैकेनिज्म देखने के बाद अब जो आपके पास वेलोसिटी ट्रायंगल देखा था, वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं वहां पे देखे थे वेलोसिटी ट्रायंगल निकालने के लिए। तो देखो इसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही है, कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन के लिए हम देखेंगे यहाँ पर, कैलकुलेशन पार्ट के लिए हम देखेंगे तो इसमें वेलोसिटी ट्रायंगल देखेंगे जिसमें आपके पास निकालना होगा, ये आपके पास स्ट्राइक कर रहा है, किसके सेंटर ऑफ तक आपके पास की है। अब यहीं से एक ट्रायंगल बना लेते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल, और यही वेलोसिटी ट्रायंगल हम बनाएंगे आपके पास, ये आउटपुट एग्जिट की बात है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और ये आपके पास गिवन हो गया, और ये आपके पास सपोज यहाँ पर पार्ट जो आपके पास था ये U1 है, और ये आपके पास क्या है बी डब्ल्यू वन आपके पास है, बी आर वन है, और ये टोटल आपके पास है बी डब्ल्यू वन, ठीक है, और यही आपके पास बी आर टू हो जाएगा, ये आपके पास बी टू हो जाएगा, और बच्चों ये आपके पास ये आ जाएगा यू टू, और ये हो जाएगा आपके पास बी डब्ल्यू टू, ठीक है, और ये पेंटन मिल का आपका मिला पेंडल डायग्राम हो गया, ये आपके पास मान लो आपके पास ये हो गया थीटा, ये थीटा मान लो, ये आपके मान लो फाई है, ठीक है। तो सब कुछ आपके पास बताया था मैंने, U1 क्या आपके पास, U1 आपके पास क्या है, और आपके पास V1 क्या है, और इस पे क्या आपके पास VR1 क्या है, आपके पास VW1 क्या है, ठीक है,
यूवर आपके पास क्या है, स्पीड किसकी है, बकेट की आपके पास है, तो स्पीड ऑफ ब्लेड, ब्लेड कितनी स्पीड से आपके पास, ये स्पीड ऑफ क्या आपके पास है, स्पीड ऑफ जेट, जेट कितनी से स्ट्राइक कर रहा है आपके पास, ये रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास, वेलोसिटी, और VW1 आपके पास है विंड वेलोसिटी, ये सब इनलेट की बात कर रहे हैं, इनलेट, ठीक है। तो ये सब हमने देखा था, इसके बाद जो आपके पास क्या था, ये आउटलेट की बात है, ये आउटलेट है क्योंकि स्ट्राइक होने के बाद वाटर फिलर जा रहा है, वाटर ये आपके पास वाटर फिलर जा रहा है, तो वाटर आउटलेट आपके पास है, U2 आपके पास है, स्पीड के आपके पास स्पीड ऑफ बकेट है आउटलेट, VW2 आपके पास है व्हील वेलोसिटी, ठीक है, ये आपके पास ये वेलोसिटी ट्रायंगल है। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर नो सॉफ्ट कंडीशन में है तो क्या होगा, नो सॉफ्ट कंडीशन, ठीक है, तो नो सॉफ्ट कंडीशन में है तो आपको याद रखना है कि जो U1 बराबर आपके पास क्या होगा, U2 होगा, U1 बराबर U2 यानी स्पीड क्या आपके पास इनलेट और आउटलेट ऑफ बकेट यानी कि क्या होगा, सेम होगा, कितना होगा, ये पाई डी है ना पान कितना हो जाएगा 60, ठीक है, तो पाई डी ना पान 60, और इस केस में आपके पास VR1 बराबर क्या हो जाएगा VR2, ये ठीक है, U1 बराबर U2, अब D क्या आपके पास, D इज इक्वल टू डाया ऑफ क्या आपके पास डाया है आपके पास बकेट, ये नो सॉफ्ट कंडीशन में तो मैं कहूं इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा, कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जिसे बोलते हैं सी, ये कितना होगा, इसकी जो रेंज होती है वो बहुत ही कम होती है, 0.97 के आसपास, मतलब सीबी की रेंज होगी आपके पास 0.97 टू 0.99 के आसपास आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का रेंज होगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट एंड वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट एंड वेलोसिटी बच्चों निकालने के लिए ये फार्मूला आपके पास है v इक्वल टू सीबी अंडर टू जी एच, ठीक है, सीबी अंडर टू जी एच आपके पास क्या है यहाँ पे, अब आपके पास एच क्या हो गया, टोटल हाइट आपके पास है, टोटल हाइट जी आपको पता है ग्रेविटी है 2s, डीवी आपके कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है, वी आपके पास वेलोसिटी हो जाएगी, कितना आपके पास जेट वेलोसिटी कंपेयर हो रही है वो आपके पास गिवन हो जाएगा, ठीक है, जेट वेलोसिटी आपके पास गिवन हो गया। चलिए एक यहाँ से प्रॉब्लम पूछ लेता है, सीबी की वैल्यू कितना जल्दी कितना कितना के बीच होता है पेल्टन विंड टरबाइन में, तो आप बोलोगे 0.97 से 0.99 के बीच होता है, सीबी आपके पास भी है नेस्टर में, तो बीच कर दो सीबी अंडर टू जी एच लेना है, ये भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में कितना होता है, ठीक है, और आपसे पूछ लेता है स्पीड रेशियो, कोएफिशिएंट ऑफ स्पीड रेशियो क्या पूछ लेगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्पीड रेशियो, कोएफिशिएंट ऑफ स्पीड रेशियो चार्ज मीटर कोफिशिएंट ऑफ स्पीड रेशियो ये होता है U=5√2gh, कोफिशिएंट ऑफ स्पीड रेशियो आपके पास मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपके पास 5
शिवलिंग 5 वो होता है यू इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2 जी एच। एच वही सेम है 5, 5 की वैल्यू कितनी होती है इसमें, 5 की वैल्यू होती है इसमें, याद रखना है पूछा जाता है कि स्पीड रेशियो की आपके पास कितनी लिमिट होती है, वो होती है 0.432 0.49। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बने हुए एग्जाम में, कितना 0.432 0.49 के आसपास आपके पास क्या हो जाएगा ये। अब बात कर रहे हैं आपके पास जेट रेशियो, ये भी पूछा जाता है कि प्रेडेटर मिल में जेट रेशियो का फॉर्मूला है, जेट रेशियो क्या होता है, इसके फॉर्मूला पूछा जाता है। तो जेट रेशियो आपके पास ये होता है, इसका जो जेट रेशियो को बोलते हैं कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी आपके पास क्या हो गया। तो कैपिटल डी आपके पास क्या है, व्हील ऑफ द क्या है, ये भी डायमीटर ऑफ व्हील, ये है डाया ऑफ व्हील डिवाइड बाई ये हो जाएगा डाया ऑफ जेट जेट, ठीक है। तो जेट रेशियो आपके पास है डाया ऑफ व्हील डिवाइड बाई डाया ऑफ जेट, इन दोनों का रेशियो बोलते हैं जेट रेशियो, क्या बोलते हैं जेट रेशियो, जिसे एम से डिनोट करते हैं बच्चे, किससे डिनोट करते हैं, जिसे एम से डिनोट करते हैं। तो ये आपके पास जेट रेशियो आपके पास गिवन है एम इक्वल टू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, सो वी कैन राइट जेट रेशियो एज ए जेट रेशियो एम इक्वल टू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। यहां से भी क्वेश्चन आपके आए हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ बकेट, कितना नंबर ऑफ बकेट है आपके पास, जरूर पूछेगा। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं यहां से बताइए, यहां से का ऑब्जेक्टिव यहां से क्वेश्चन होता है नंबर ऑफ बकेट से, नंबर ऑफ बकेट इन द रनर, रनर पे नंबर ऑफ बकेट कितना आपके पास निकालने के लिए, जिसे बोलते हैं कैपिटल जेड, क्या बोलते हैं कैपिटल जेड। सो जेड इज इक्वल टू आपका होता है 15 प्लस डी बाई टू, या इसको क्या करेंगे, जेड इज इक्वल टू, जेड इज इक्वल टू 15 प्लस एम बाई टू। और जहां पे एम क्या है आपके पास, एम है आपके पास जेड रेशियो, एम क्या आपके पास जेड रेशियो आपके पास एम है, ठीक है। एम आपके पास जेड रेशियो एम इक्वल टू 15 प्लस डी बाई टू इंटू डी, ये फॉर्मूला आपके पास याद होना चाहिए, क्योंकि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आप देखते क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, किससे कैलकुलेशन कर रहे हैं किसका बेटा, ये हम पेटर टर्बाइन के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहां से आपके पास क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 प्लस एम बाई टू, एम क्या आपके पास है, एम इक्वल टू आपको पता ही है एम इक्वल टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये आपके पास लिखा हुआ है एम इक्वल टू, वही है आपके पास कैपिटल डी बाई स्मॉल डी को मैंने एम बाई टू रख दिया आपके पास, ये इस फॉर्म में पूछा जाएगा या इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ बकेट इन द रनर क्या हो जाएगा आपके पास जेड, ये इस फॉर्म में आपके पास कैलकुलेट करना होगा, ओके। तो एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे, नंबर ऑफ जेड क्या पूछता है, नंबर ऑफ जेड कितना होगा, तो नंबर ऑफ जेड ये भी आपके पास कैलकुलेशन में आपके एग्जाम में पूछा था नंबर ऑफ जेड कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो नंबर ऑफ जेड कैलकुलेट करने के लिए रेशियो होता है आपके पास टोटल फ्लो रेशियो, टोटल फ्लो रेशियो डिवाइड बाय, ठीक है। अब जेड में कितना फ्लो हो रहा है वो देखना है, पहले कितना आपके पास टोटल फ्लो रेशियो देख लिया किसी भी आप पाइप में कितना फ्लो हो रहा है वो, और टोटल जेड रेशियो में आपके पास जेड में कितना हो रहा है आपके पास ये देखते हैं। तो एक सिंगल जेट का देखेंगे, किसका देखेंगे सिंगल जेट का, तो फ्लो रेट इन वन या सिंगल इन सिंगल जेट, ठीक है। या इसको कह सकते हैं आप क्या, क्यू क्यू टोटल अपान क्यू सिंगल जेट, ठीक है।
तो नंबर ऑफ जेट निकालना है तो n इक्वल टू आप क्या निकालें क्यू, टोटल कितना डिस्चार्ज निकाले हैं आपने डिवाइड बाय क्यू, ठीक है, बाय सिंगल जेट, तो डिस्चार्ज का रेशियो निकालेंगे आपके नंबर आपके आ जाएंगे जेट आ जाएंगे, कितनी जेट रिक्वायरमेंट है वहां से कैलकुलेट करने के लिए। चलिए अब आपसे पूछ दिया जाता है कि बताओ इसकी एफिशिएंसी वगैरह पूछ दिया जाए तो कितना होगा फिल्टर मिल का, इसलिए आपके क्या निकालना पड़ेगा टोटल रनर पावर निकालना पड़ेगा। तो टोटल रनर पावर आपको निकालने के लिए फॉर्मूला, टोटल रनर पावर इन पेल्टन विद टर्बाइन, ठीक है, तो टोटल रनर पावर पेट्रोल टर्बाइन कैसे निकालेंगे, यही आपके पास क्या है टोटल पावर रिक्वायरमेंट है। अब ये निकालेंगे इसके बाद यू से मल्टीप्लाई करेंगे उसका वर्कन आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइड करेंगे उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो टोटल रनर पावर आपके पास रो एरिया इनटू वेलोसिटी डिवाइड बाय ठीक है वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू, ये आपके पास क्या हो जाएगा टोटल रनर पावर हो जाएगा। अब आपके बाद एक क्या आंसर दो है या तो प्लस लेना पड़ेगा तो माइनस लेना पड़ेगा, भाई प्लस कब लेंगे माइनस कब लेंगे, तो प्लस माइनस आपके पास के एग्जिट एंगल पे डिपेंड करेगा कि आपके मिला से ट्रेन का देखो किस पर, देखो ये जो आपके पास ये एंगल है ये आपके पास वी आर टू ये वी टू ठीक है यू टू और ये क्या आपके पास वी डब्ल्यू टू, अगर एंगल ये एंगल बीटा अगर अगर बीटा ग्रेटर कितना आपके पास 90 डिग्री है और बीटा क्या है आपके पास लेस देन 90 डिग्री है, अगर बीटा ग्रेटर देन क्या है आपके पास 90 डिग्री है और बीटा क्या आपके पास लेस देन 90 डिग्री है तो कैसे होगा आपके पास, देखो तो नेगेटिव साइन लेंगे कब, जब नेगेटिव साइन लेंगे आप नेगेटिव साइन कब लेंगे आप जब बीटा की वैल्यू क्या आपके पास ग्रेटर देन 90 डिग्री है, बीटा जब बीटा ग्रेटर देन कितना जाएगा आपके पास 90 डिग्री, बाकी केस में क्या लेंगे पॉजिटिव साइन लेंगे, इसका मतलब कहने का मतलब बच्चों अगर बीटा की वैल्यू ऐसे हो जाए ऐसे ये वाला बीटा हो जाएगा तो इस केस में क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, बाकी केस में क्या हो जाएगा सो बीटा की वैल्यू अगर मैं लेस देन 90 डिग्री लेता हूं इस केस में आपके पास टोटल रनर पावर आपके पास क्या हो जाएगा टोटल रनर पावर ये इक्वल टू हो जाएगा रो ए बी वन बी डब्ल्यू वन प्लस बी डब्ल्यू टू आपके पास हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास सीधे हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम आपके पास मिलेंगे टोटल कितना है आपके पास ये। अब आपके पास एफिशिएंसी निकालनी है तो एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन विद टर्बाइन, सो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं यहां पे आपके पास टोटल पावर रनर पावर आपके पास नहीं है, रनर पावर आपने निकाल चुका है रनर पावर अपॉन काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा, तो रनर पावर आपने निकालना है रो ए बी वन सी डब्ल्यू वन प्लस बी डब्ल्यू टू डिवाइड बाई एम को लिख सकते हैं रो ए बी टू बी वन स्क्वायर आपको ये डिवाइड कर लेंगे जिसकी एफिशिएंसी आ जाएगी आपके पास इसका पेल्टन विद टर्बाइन का एफिशिएंसी आ जाएगा। रनर पावर अपन क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी आपके पास होना जितने स्ट्राइक कर रही है रो मास इनटू वेलोसिटी के स्क्वायर आपके पास एन हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आएगा इसका मैक्सिमम की बात करेंगे पेल्टन विद टर्बाइन में वो हो जाएगी वन प्लस के cos phi divided by 2 1 plus k cos phi divided by क्या हो जाएगा 2, ये इसकी क्या हो जाएगी
वन प्लस के कॉस फाइव डिवाइड बाई टू आपके पास क्या हो जाएगी यहाँ पर मैक्सिमम एफिशिएंसी आ जाएगी किसकी, ठीक है। तो अब आपसे मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछा तो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला आपके पास गिवन है, इसको अल्टरनेट करवाओ। और आपसे पूछता है कभी कभी एग्जाम में इसका ऑब्जेक्टिव तो तुम कराएंगे अब तब मिलेगा आपको, तो फ्रीक्वेंसी पूछता है कितना फ्रीक्वेंसी आपके पास है? ये बराबर यूज कर रहे हैं किस फ्रीक्वेंसी पे अप्लाई कर रहे हैं आप इसमें फिल्टर विल्टर बाइंड, तो फ्रीक्वेंसी पूछ देता है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है आपके पास फ्रीक्वेंसी जो एफ होता है एफ ये हो जाएगा आपके पास पी क्रॉस एन डिवाइड बाय 120। पी क्या हो गया, पी है आपके पास नंबर ऑफ पोल, पी यहां पे आपके पास है नंबर ऑफ पोल, और एन क्या आपके पास है यहां पर आरपीएम है, ये कितना आरपीएम पे मूव कर रहा है 120 से डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपके पास यहां पे। तो आपके पास ये क्वेश्चन आपके जैसे वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया इस पे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना जनरेट कर रहा है आपके पास, तो आप इसलिए फॉर्मूला यूज करेंगे और तुरंत आंसर ला देंगे। यहाँ पे नंबर आपको दिया होगा 2 या 5 या 10 दिया होगा, नंबर आपके पास आरपीएम दिया होगा, इसके बाद निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी कितना है हर्ट्ज में, ये आएगा हर्ट्ज में, इसमें आएगा हर्ट्ज में। चलो एक और प्रॉब्लम और पूछता है कि नंबर ऑफ क्या डेट थ्री एन, तो पावर पूछ लेता है, पूछता है कि नंबर ऑफ जेट इज एन, अगर आपके पास n नंबर जेट है तो पावर कितना जनरेट होगा, तो पावर जनरेट होगा, पावर जनरेट ऑब्जेक्टिव में बहुत आपको चाहिए जनरेट, ठीक है, तो ये हो जाएगा n इंटू क्यू, कितना होगा n इंटू क्यू, अगर आपके पास n नंबर जेट है तो कितना पावर जनरेट है, इसे क्वेश्चन दे दिया आपसे इन पेंटन मिल टर्बाइन नंबर ऑफ जेट की 5 एंड पावर डेवलप इन ईच जेट इज 5 kW, ठीक है, देन पावर डेवलप बाई 5 जेट बी, तो एक जेट पे आपके पास कितना बच्चों पावर, पावर एक जेट वन जेट पे कितना पावर है आपके पास 5 kW, इससे आपके पास 5 जेट पे कितना हो जाएगा 5 into क्या हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा आपके पास 125 kW आपके पास, ठीक है, तो कह रहे हैं मतलब n into p आपके पास ये हो जाएगा, ये पावर पहले आपके पास 5 दिया है यहाँ पर, n में आपके पास 5 ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा आपके पास, सॉरी 5 into 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, तो ये हो जाएगा 25 kW आपके पावर हो जाएगा, तो 5 into 5 हो जाएगा आपके पास 25 kW आपके पास पावर है, ठीक है। तो ऐसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं आपके जेई क्वेश्चन में, ये आपके नंबर आप जेड दे देंगे और आपसे पावर जनरेट पूछेगा कितना होगा, तो उसमें एन से मल्टीप्लाई कर देगा आपके पास आंसर आ जाएगा। और एक क्वेश्चन आपसे बराबर क्वेश्चन पूछा है, तो लिखा देखिए हाउ मेनी पॉसिबल कितना द मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट रिक्वायर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट रिक्वायर In an impulse turbine, the maximum number of jet required in an impulse turbine without
जेड इंटर तो आपको निकालना था मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट कितना रिक्वायर होगा अगर जेट विदाउट टर्बाइन आपके पास इक्वल टर्बाइन है विदाउट इंटरफेरेंस की यूज करेंगे तब विदाउट इंटरफेरेंस आपके पास में कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है उसमें यूज करेंगे तो इसमें आपके पास कितना होता है इसमें होता है टोटल नंबर ऑफ जेट रिक्वायर्ड आपके पास सो इसका जो आंसर है आपके पास टोटल नंबर ऑफ जेट रिक्वायर्ड इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास सिक्स कितना हो जाएगा सिक्स आपके पास एक ऐसा आपके पास नंबर है जिसमें क्या हो गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट रिक्वायर्ड इन इंपल्स टरबाइन विदाउट जेट इंटरफेरेंस तो आप लिखेंगे कितना आ जाएगा आंसर सिक्स नंबर आपके पास यूज होगा जो आपसे क्वेश्चन पूछा है ठीक है तो बताओ नेट वर्क डन कितने होगा इसमें आपसे पूछा जा चुका है तो नेट वर्क डन बताओ कितना होगा तो नेट वर्क डन इन इंपल्स टरबाइन तो नेट वर्क डन आपके पास आ जाएगा नेट वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू आपके पास तो फोर्स बताया था रनर पावर आपके पास रनर फोर्स कितना हो जाएगा ये हो जाएगा रो एरिया वी वन बी डब्ल्यू वन प्लस बी डब्ल्यू टू इंटू क्या हो जाएगा आपके पास यही आपके पास फिर वर्क डन यू क्या आपके पास वेलोसिटी ऑफ व्हील स्पीड ऑफ व्हील और बच्चे स्पीड ऑफ व्हील आपके पास है पाई डी एन बाई कितना 60 मीटर पर सेकंड तो ये सब फॉर्मूले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ठीक है और इसी पर यूज करेंगे और कैलकुलेशन इसी बेस होता है आपके पास तो ये रही आपके पास फिल्टर मिल टरबाइन बच्चों क्या आपके पास ये रही जो आपसे फिल्टर मिल टरबाइन के पार्ट जितने भी आपके कैलकुलेशन आएंगे इसी बेस पे आएंगे तो फिल्टर मिल टरबाइन की कैलकुलेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा ठीक है इसके जितने पार्ट थे लेकिन सब कुछ पार्ट लेके पूरी चीजें देखी तो तो इसकी वेलोसिटी डायग्राम आपके पास वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम कैसे निकालेंगे आपके पास ये गिवन था यहां से मैंने डिस्कस किया था आपके पास बाकी आपके पास इनलेट और आउटलेट का चीजों को डिस्कस किया था इससे पहले भी डिस्कस किया था और आइए नो स्टॉप कंडीशन के लिए आपके पास है जब आपके पास जब पूछा जाए नो स्टॉप कंडीशन में तो स्पीड ऑफ बेटा किस पे जाइए एक स्पीड ऑफ बकेट का कितना हो जाएगा पाई डी एन बराबर दोनों स्पीड बराबर होंगे दोनों इनलेट और आउटलेट का क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी भी आपके पास क्या हो जाएगा कंडीशन बराबर हो जाएंगे जिसे क्या बोलेंगे यहाँ पर बोलेंगे नो स्टॉप कंडीशन नो स्टॉप कंडीशन आपके पास ये है तो नो स्टॉप कंडीशन अगर आपके पास गिवन होगा यहाँ पे दोनों बराबर रहेंगे इनलेट और आउटलेट कोएफिशिएंट वेलोसिटी की वैल्यू आपको याद रखना है जो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है और कोएफिशिएंट ऑफ स्पीड की रेशियो पूछता है कितना होता है यहाँ पर ये वैल्यू याद रखना है जेट रेशियो क्या होता है डी बाई डी होता है डाई ऑफ व्हील अपॉन डाई ऑफ जेट इन दोनों का रेशियो होता है ठीक है और इसका नंबर आप बकेट कैसे निकालते हैं आप जेट निकालने के लिए फॉर्मूला है 50 प्लस डी बाई टू अपॉन ए ठीक है तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला दिया गया है डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है तो नंबर ऑफ जेट पूछता है टोटल फ्लो रेशियो अपॉन क्या आपके पास फ्लो रेट इन सिंगल जेट आपके पास गिवन है
तो यहाँ से हो जाएगा कि टोटल डिस्चार्ज जो आपके पास कितना आ रहा है, ऑन सिंगल डेट पे कितना डिस्चार्ज आ रहा है, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे आपके पास ये मिल जाएगा। ठीक है, टोटल रनर पावर क्या हो जाएगा आपके पास, रो ए गिवन अपॉन बी डब्ल्यू वन प्लस बी डब्ल्यू टू आपके पास ये गिवन हो जाएगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, और ये आपके पास साइन कन्वेंशन दिक्कत आएगी, चाहे प्लस लेंगे माइनस लेंगे, प्लस कब लेंगे, प्लस की वैल्यू जब होगी बीटा की रिटर्न आपकी हो जाएगी, अगर ग्रेटर देन 90 है नेगेटिव लेंगे, अगर लेस देन 90 है तो हम क्या लेंगे, जब ये लेस देन 90 है तो यहाँ पर बीटा क्या लेस देन 90 मिलेगा आपके पास, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिए हैं तो यहाँ पे जाएगा बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू, यही आपके पास नेट रन पावर है आपके पास। एफिशिएंसी निकालने के लिए हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है ये, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, रनर पावर पर काइनेटिक एनर्जी डिराइव करेंगे, जल्दी आपको फॉर्मूला ही पूछ जाता है कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होता है, रेशियो ऑफ रनर पावर पर काइनेटिक एनर्जी होता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो इसके आगे बात करूंगा, रनर पावर क्या है, रो ए वी1 अपॉन वी डब्ल्यू1 प्लस वी डब्ल्यू2, और यहां पे हो जाएगा हाफ रो ए वी इनटू वी1 स्क्वायर आपके पास भी हो जाएगा, अगर यहाँ पर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी देखेंगे तो इस फॉर्मूला में आ जाएगा, यहाँ पे भी ऑप्शन लगता है ऑप्शन में, ऑप्शन ये भी आपसे पूछा है कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कितना होगा तो ये भी रखेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम केस में बताया जाता है, अगर मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, जो यू हो जाएगा यानी कि आपका स्पीड अप क्या हो जाएगा, स्पीड अप क्या हो जाएगा, बकेट हो जाएगा, वो जेट वेलोसिटी का आधा हो जाता है, कितना होता है, आधा हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछता है आपके लिए। और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो पी इंटू एन, पी आपके नंबर ऑफ पोल है, आपके पास एन आरपीएम है 120 आपसे डिवाइड करके ये कैलकुलेशन सब पार्ट है आपके पास जो फॉर्मूला यूज होंगे, इसे क्वेश्चन करेंगे हम आपके पास जितने भी आएंगे इसे क्वेश्चन करेंगे। इफ द नंबर ऑफ जेट इज एन दिया हो तो पावर रिक्वायरमेंट टोटल पावर कितना जनरेट होगा, एन इंटू पी आपके पास कर देंगे यहाँ पे पावर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कितना नंबर ऑफ जेट रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, तो विदाउट इंटरफेरेंस तो आपके पास नंबर या होना चाहिए कितना, 6 आपके पास होना चाहिए जेट रिक्वायर होगा विदाउट इंटरफेरेंस। वर्क डन पूछा जाए कितना होगा, तो आपने रनर पावर निकाला है, ये रनर पावर है आपके पास, रनर पावर इंटू क्या कर देंगे इसमें यू कर देंगे, आपके पास क्या जाएगा वर्क डन जाएगा, स्पीड आपके पास दी गई यू क्या आपके पास दी, तो यही कर रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसके आगे जो है आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे आपके पास, यहाँ पे दिखाएंगे आप कैसे कैसे क्वेश्चन आए फॉर्मूले पे और कितने आ रहे हैं आपके पास, एफिशिएंसी पे आए हैं कितने, वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सो थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच, थैंक यू।